बीते दिनों लालू यादव से संबंधित किए गए सुशील मोदी ट्वीट को ट्विटर ने डिलीट कर दिया है। आपको बता दें कि इस ट्वीट में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर रांची के जेल से बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर विधायकों को फोन कर प्रलोभन देने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही सुशील मोदी ने ट्विटर पर एक नंबर सार्वजनिक भी किया था। वहीं आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मोबाइल नंबर शेयर करते हुए रांची की जेल में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो फोन कर एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू एनडीए विधायकों को मंत्री बनाने तक का ऑफर दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इस आरोप के अगले दिन एक बातचीत का ऑडियो भी जारी किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि लालू यादव ने जेल से भागलपुर जिले के पीरपैंती सीट से बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन किया और उन्हें मंत्री पद का लालच दिया। वहीं आपको बता दें कि सुशील मोदी की ओर से जो ऑडियो जारी किया गया है उसमें लालू यादव की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि आवाज लालू यादव की है या नहीं, ये ऑडियो सही है या नहीं, इसकी पुष्टि नेशन न्यूज नहीं करता है। वहीं आपको बता दें कि मामले में भागलपुर की पीरपैंती सीट से चुनकर आए ललन पासवान ने ऑडियो के आधार पर दावा किया था कि लालू यादव ने उन्हें फोन कर मंत्री पद का ऑफर देते हुए सरकार गिराने की बात कही। हालांकि उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। वही आपको बता दें कि अब सुशील मोदी के इस ट्वीट को ट्विटर ने डिलीट कर दिया है।